नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है आंदर के जिला परिषद क्रमांक 9 में। दौरा करते हुए मिल गए राजन कुमार सिंह जी, जो कि एक युवा हैं, जुझारू प्रत्याशी हैं और इनमें समाज सेवा करने की ललक साफ दिख रही है। इसलिए आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान ही हम इनसे मिले और इनसे आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर यह जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में अगर समाज के बीच में आए हैं तो इसके पीछे इनकी क्या सोच है और इनकी क्या मंशा है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपके सारे श्रोता को नमस्कार प्रणाम। सर आप एक संक्षिप्त परिचय अपना दीजिए हमारे दर्शकों। मेरा नाम राजन कुमार सिंह है, मेरा जन्मभूमि गाँव जिला यहीं पे बगल में है, आंदर प्रखंड में ही है। आप राजनीति में आए, एक युवा हैं, इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? हम राजनीति में आए नहीं, हम राजनीति में पूर्व से ही हैं जी, लेकिन आज खुद चुनाव लड़ने आए जी। हम लोग ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं तो उसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ प्रखंड में लोगों को मतलब अभी तक किंग मेकर की भूमिका बनाना, प्रमुख बनाना, ये सब में हम लोग अहम भूमिका में रहे जी। लेकिन आज खुद खुद पर लगा कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए। भी हमारे संपत्ति लोग हैं, जो भी हैं, लोगों का कहना है कि नहीं आप चुनाव लड़िए, आप आइए 9 नंबर से। कोई उस टाइप का प्रत्याशी नहीं है जिसको हम लोग मदद करें या यहाँ वो माले को हरा सके जी। जी तो हमने इस क्षेत्र में आया। जब आप क्षेत्र में जनता से मिल रहे हैं, खातिर हो रहे हैं, तो उनकी क्या क्या समस्याएं आपके सामने दिख रही हैं? जनता की समस्या तो बहुत सारा है जी। आज तक जो भी जिला परिषद के यहाँ के मेंबर रहे हैं वो 5 साल में दिखे भी नहीं, लोग उनको पहचानते भी नहीं हैं कि हाँ यही है। वो हारने वाले हुए तो जो 2 नंबर या 3 नंबर में थे वो हुए तो, या जीते हुए भी प्रत्याशी आज के डेट में लोग आना जाना अपना स्टार्ट किए हैं। जब हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो समस्या तो बहुत सारी है, इसका समाधान कोई करने वाला है नहीं। आपके क्षेत्र में कितने पंचायत आ जाते हैं? 5। कौन कौन? औरखपुर पंचायत, सहसराव पंचायत, असाव पंचायत, मानपुर, पतेजी, पतार जी। तो आप अभी तक किन किन पंचायतों का दौरा कर चुके हैं? हम सारे पंचायतों का दौरा कर चुके हैं, एक बार नहीं किए हैं, लगभग 2 बार, तीसरा फेज में चल रहा है। मान के चलिए मतलब आपको पूरा जन समर्थन अभी मिल रहा है? जी जी जी, यहाँ तक कि एक गांव बसा हुआ है एलासगढ़, जो मनियर माने बलिया से मनियर के पास है जी, जी। वहाँ भी हम लोग गए हैं, वहाँ भी संपर्क किए हैं, पूरा दिन हम लोग एलासगढ़ में। आप अगर जिला परिषद बन जाते हैं तो अपने क्षेत्र में क्या क्या करेंगे? आपकी मतलब क्या क्या आप अभी प्लान बनाए होंगे या ब्लूप्रिंट तैयार किए होंगे, तो मतलब क्या क्या योजनाएं आपके दिमाग में? अगर हम जिला परिषद से चुनाव जीत रहे हैं जी, वो तो आगे चल के जिला में जी कोई ना कोई जगह मिलेगा जी, जगह लेंगे जी। यहाँ की जहाँ तक बात है कि क्या करेंगे जी, तो एक इसी क्षेत्र में आपको गहिलापुर हाई स्कूल है जी, जी। वहाँ बहुत अच्छा ग्राउंड है जी, एक फील्ड है जी। जो आज तक ना किसी विधायक का उस पर ध्यान गया, ना जिला परिषद का ध्यान गया, ना किसी का ध्यान गया। जो भी नवयुवक हैं वो लोग क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, खेलने के लिए वहाँ अक्सर टूर्नामेंट होते रहता है, लेकिन ना वहाँ कोई सुविधा है, ना कोई व्यवस्था है और ना कोई करने वाला है। यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि हुआ करने वाला नहीं हुआ, वो आया बना और चल गया, फिर 5 साल बाद आया। तो अगर हम जीत रहे हैं तो एक स्टेडियम का काम करवाएंगे इस क्षेत्र में, यहाँ से पतार तक, पतार भी मार्केट है बहुत अच्छा, आशाओ भी है। अगर हम चुनाव जीतेंगे तो एक प्रयास करेंगे कि एक मैरिज हॉल बनवाएं, मतलब निःशुल्क रहेगा वो सभी जी 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 जी। तो ये करने का मेरा है, इसके आगे जो जैसे आएगा। आप एक युवा हैं और अभी जैसे कोरोना जैसे महामारी जब आई थी तो सबसे ज़्यादा जो जलील हुए थे हमारे बिहारवासी ही हुए थे, क्योंकि अभी अपने क्षेत्र में मतलब देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार की बहुत कमी है,
तो आपके हिसाब से आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि युवाओं के लिए कुछ रोजगार सृजन के लिए कुछ किया जा सकता है? रोजगार सृजन के लिए किया जा सकता है, आ किए भी हैं जी जी, जितने में हैं उस हिसाब से कम हमने 100 लोगों को रोजगार दिया। एक मेरे घर गांव पे जाइएगा तो फ्लाइएस जो होता है उसका हमने फैक्ट्री डाल रखा है, वहाँ आप जा सकते हैं उसको जी 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 जी, उसमें 2-3 प्रकार का जी जी कुछ बनता है, उसमें लगभग 60-70 लोगों का रोजगार हमने, तो आगे जैसे हमको पद मिलेगा जिला परिषद में जाएंगे उस क्षेत्र में जरूर सोचेंगे, उसमें जरूर व्यवस्था बनाएंगे। मतलब अभी आप युवाओं को रोजगार देने के लिए दृढ़ संकल्पित? जी जी जी। अंत में आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के यही आग्रह करेंगे कि एक बार हमको मौका दीजिए, देखिए अगर हम जीत के जा रहे हैं तो कार्य करेंगे, नहीं करेंगे तो उसके बाद आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे, दोबारा कोई भी चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। आपके क्षेत्र से जिला परिषद क्रमांक 9 से एक प्रत्याशी हैं राजन कुमार सिंह, आपके हिसाब से कैसे प्रत्याशी हैं? ठीक, क्या लग रहा है आपको कि जीतने के बाद ये काम करेंगे? हाँ। आपका क्या नाम पड़ेगा? सीताराम ओझा। गांव? देहुदा। देहुदा। हाँ। अभी जैसे चुनाव का समय चल रहा है, बहुत सारे प्रत्याशी आते होंगे मिलते होंगे, तो आपको सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन लग रहे हैं जिला परिषद के लिए? राजन बाबू लग रहे हैं। राजन बाबू लग रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपको? बद्रीनाथ दुबे। गांव? गांव बाबा का पति जी। के जिला परिषद क्षेत्र से कौन से प्रत्याशी आपको सबसे अच्छे दिख रहे हैं? राजन सिंह। क्या नाम पड़ेगा आपको? मोहन द्विवेदी। मोहन द्विवेदी। गांव? मानपति जी। क्षेत्र में जिला परिषद के जो लोग प्रत्याशी आ रहे हैं उनमें से सबसे अच्छे प्रत्याशी कौन लग रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि वो काम करेंगे जीतने के बाद? राजन कुमार सिंह। राजन कुमार सिंह लग रहा है कि मतलब काम करेंगे जीतने के बाद? हमारे क्षेत्र में आने जीत जाने के बाद जी वो बहुत अच्छे विकास के काम करेंगे। अच्छा, पहले से आप उनसे परिचित हैं? जी जी जी। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? शहादत खान। गाँव? देहुरा। ठीक। अभी जैसे चुनाव का समय है, बहुत सारे प्रत्याशी आप लोगों से मिलते होंगे जुलते होंगे अपनी बातों को रखते होंगे, तो आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में जिला परिषद के लिए कौन से प्रत्याशी सबसे सुयोग्य हैं? राजन कुमार सिंह। मतलब इनके कार्यों से आप पूर्व परिचित हैं? हाँ। क्या लगता है कि जीतने के बाद ये विकास का कार्य करेंगे आपके क्षेत्र में? करेंगे। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? सत्यदेव सिंह। गाँव? खरा दादा। ठीक। दर्द एवं लकवा मुक्ति केंद्र डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, माधव नगर, महादेवा महावीर स्कूल के सामने, शिवा।